हाय गाइस, वेलकम बैक टू वन अर्थ वन लाइफ। और आज हम जाने वाले हैं पंजू आइलैंड, जो कि मेरे पीछे है, और इसे यहाँ के लोकल्स पांजू आइलैंड भी कहते हैं। और यहाँ पे आने का जो रास्ता है वो नायगांव स्टेशन पे आपको उतरना है ट्रेन से, लोकल ट्रेन लेना पड़ेगी, मुंबई लोकल, और वहाँ से रिक्शा से 9 रुपया लेगा। और ये जो रास्ता जा रहा है ये फेरी के लिए जा रहा है, तो फेरी से हमें जाना है उस आइलैंड पे। और इस जगह की खास बात ये है कि ये आइलैंड काफ़ी अनटच्ड आइलैंड है और इस आइलैंड की हिस्ट्री बहुत अच्छी है। चलिए मैं आपको फेरी से अंदर लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि अंदर का मेरा एक्सपीरियंस कैसा है और अंदर क्या क्या है करने को, देखने को, सब आपको मैं बताऊँगा और दिखाऊँगा। चलिए, आप देख सकते हो ये जगह, ये पाथ से जो है हम जाएंगे, और यहाँ पे ये रास्ता जाएगा फेरी के लिए। मैं आपको वहाँ तक लेके चलता हूँ तुरंत। मैं पंजू आइलैंड पे आ गया हूँ और मैं इस वक्त यहाँ के एक स्कूल के सामने खड़ा हूँ, और ये है यहाँ का स्कूल। तो ये आइलैंड बहुत ही छोटा है, मतलब आप देखोगे तो ये 600 एकर का है पूरा आइलैंड। और यहाँ पे मैं आया फेरी से, और फेरी का जो है रिटर्न टिकट चाहिए होता है यहाँ के लिए, तो जाने के लिए आपसे पैसे नहीं लेंगे, बट आप जब आओगे तो आपको सेम फेरी से वापस आना है और आपसे उसके लिए वो लोग पैसे लेंगे। तो अराउंड मेरे ख्याल से 15 रुपया है रिटर्न टिकट फेरी का, विच इज़ नॉट मच, तो काफ़ी अच्छा है। मैं यहाँ पर थोड़े ओपन स्पेस में आया हूँ आपको दिखाने के लिए, क्योंकि अंदर बहुत गलियों में से आना पड़ता है और आपको बहुत ही गाँव की फीलिंग आएगी, बहुत अच्छा लगेगा आपको। एंड लोकल्स काफ़ी फ्रेंडली हैं, मैं लोकल्स से डायरेक्शंस लेते हुए आया यहाँ पर, सभी ने मुझे काफ़ी अच्छे से हेल्प किया, कई लोग जो है साथ में चल के आपको बताएंगे भी। तो आपको मैं बताता हूँ यहाँ की हिस्ट्री के बारे में। ये आइलैंड जो है काफ़ी फेमस है, और यहाँ से फ्रीडम फाइटर्स बहुत सारे निकले हैं, चिमाजी अप्पा जो काफ़ी लेजेंडरी मराठा वॉरियर रहे हैं, फिर वो यहाँ से आए हैं, और अराउंड 23 फ्रीडम फाइटर्स जो है यहाँ से इस आइलैंड से गए हैं इस आइलैंड में। और एक चीज़ है कि आसपास जो अभी ये नायगांव के पास है, तो वसई के पास जो वसई फोर्ट है, तो पहले के टाइम में वसई फोर्ट से जो है यहाँ का आइलैंड डीलिंग करता था, काफ़ी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स होते थे। तो ये चीज़ें जो हैं यहाँ की हिस्ट्री है, और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप आओगे तो आपको शिवाजी का स्टैचू दिखेगा। मैं आपको और भी जगह पर लेके जाता हूँ, यहाँ पर काफ़ी अच्छे घर बनाए हुए हैं लोगों ने, मैं आपको और घर दिखाऊंगा। ये काफ़ी ओपन में बना है ये वाला, तो और ये आइलैंड जो है सेल्फ सस्टेन्ड आइलैंड है, और सेल्फ सस्टेन मतलब अगर इस आइलैंड को बाहर की दुनिया से हम कट ऑफ कर दें तो भी ये आइलैंड अपने आप में रह लेगा, क्योंकि यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है फार्मिंग, फिशिंग और सॉल्ट फार्मिंग। यहाँ पे नमक की खेती बहुत होती है, और आपको अगर मुझे देखने को मिला तो मैं आपको फ़िशिंग दिखा दूँगा, मुझे अभी तक तो दिखा नहीं आसपास। ये आप देख सकते हो खेती वगैरह यहाँ पर होती है, प्राइमरी स्कूल है और सेकेंडरी स्कूल भी है यहाँ पर। ये स्कूल काफ़ी पुराना है, ये अराउंड 1893 शायद तभी बना था, और यहाँ पर पानी और बिजली की सप्लाई भी काफ़ी लेट आई है, इंडिपेंडेंस के बाद आई है, 1983 में यहाँ पर पानी और बिजली की सप्लाई आई है, जो इंडिपेंडेंस के पहले है
लोग यहाँ पर आके जो तालाब है वहाँ का ही पानी पीते थे, और इंडिपेंडेंस के बाद जब थोड़ा अर्बनाइजेशन हुआ एंड काफ़ी सारी चेंजेस हुई, तो ये लोग जो है यहाँ से एक रेलवे ट्रैक जाता है, मैं आपको दिखाऊंगा, ये काफ़ी दूर है, अगर आपको दिख रहा हो तो एक ट्रेन जा रही है, वो रेलवे ट्रैक से यहाँ के लोकल्स जो है मोटरमैन से रिक्वेस्ट करके यहाँ पे पानी के कैंस और कंटेनर्स लोड करते थे। अभी मैं जा रहा हूँ इस रास्ते पर, मुझे आइडिया नहीं ये रास्ता कहाँ पर लेकर जा रहा है। मेरे सामने है ये लेक, यहाँ पर फिशिंग करते हैं लोग। मैंने जैसे कहा था कि आज़ादी के पहले यहाँ पर लोग इसी लेक का पानी पीते थे। यहाँ पे हवा चल रही है, बहुत ठंडी हवा चल रही है, विंटर्स का टाइम है, मैं यहाँ पे दिसंबर के टाइम पे आया हूँ, तो मौसम जो है बहुत अच्छा है, धूप इतनी भी नहीं है। आप देख सकते हो लेक कितना पीसफुल है, और यहाँ पे है एक कुआं, पता नहीं अब यहाँ के लोकल जो हैं इस कुएं का पानी यूज़ करते हैं या नहीं, बट कुआं काफ़ी भरा हुआ लग रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी अगर आप यहाँ पे विज़िट करोगे। मुझे यहाँ पर ट्रेन की आवाज़ आ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि मैं ट्रैक्स के आसपास हूँ। ये बहुत ही पतला रास्ता निकला यहाँ से लेक के पास से, संभाल के जाइए इस रास्ते से, काफ़ी अलग फीलिंग मिलती है। और इंडिया की यही खासियत है कि आपको हर जगह अलग अलग जो है कल्चर देखने को मिलेगा, अलग टाइप के लोग देखने को मिलेंगे, काफ़ी डाइवर्सिटी है, इसलिए कहते हैं इंडिया के लिए यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी, अरे यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ये रास्ते पर, और मैंने अपना ट्राईपॉड जो है सेटअप कर लिया है। यहाँ पर अच्छी हवा चलती रहती है हर वक्त, क्योंकि ओपन एरिया है, और लोकल ट्रेन की आवाज़ आपको यहाँ पे आएगी रेगुलरली, क्योंकि यहाँ से बहुत ट्रेन्स पास होती है, मुंबई की लाइन है लोकल ट्रेन की यहाँ पर। मैं यहाँ पे इस वक्त अकेला हूँ, कोई भी नहीं है, और मुझे सिर्फ यहाँ पर खेती ही खेती दिख रही है। ये भायंदर और नायगांव के बीच में पड़ता है, अगर आप लोकल ट्रेन से ट्रैवल करते हो तो भायंदर और नायगांव के बीच में एक बहुत पुराना ब्रिज आएगा, काफ़ी रस्टेड होगा वो, आप अगर देखोगे तो वही जो है पंजू आइलैंड का ब्रिज है, वो वहीं से लोग उस पे जो चढ़ के उसी ब्रिज से ट्रैवल करते हैं भायंदर, और उसी ब्रिज से ट्रैवल करते हैं नायगांव स्टेशन तक। जिसको फेरी से नहीं जाना होता है वो उस ब्रिज से जाता है थोड़े पैसे वैसे बचाने के लिए। इतनी हवा चल रही है, तो ये ब्रिज जो मैंने आपको बताया वो बहुत ही पुराने टाइम से है, ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो रेल लाइन चलती थी ये ब्रिज तब का है, इसलिए काफ़ी जो है जंक खा गया है, काफ़ी पुराना हो गया है। और मैं यहाँ पे जब मैंने ट्रैवल किया, काफ़ी पतले रास्ते यहाँ पे मैंने ट्रैवल किया, तो मुझे यहाँ पे जो लोकल्स मिले, तो उन लोकल से मैंने बात की, और मैंने देखा कि मेजॉरिटी जो लोकल्स हैं वो काफ़ी मस्कुलर हैं, आसपास खेती देख रहे हो, वही खेती करते हैं लोग, और खेती करके ही उनकी जो है इतनी मस्कुलर फिजिक बन जाती है। ये समवॉट एक ग्राउंड जैसा दिख रहा है, ये वाइट वाइट जो है, यहाँ पे शायद नमक की खेती होती है सीज़न में, और वैसे ये तो इस वक्त ड्राई है, और सामने मुझे क्रिकेट का छोटा सा पिच दिख रहा है, तो मे बी जो लोकल टीनेजर्स और लड़के या आदमी यहाँ पर क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। यहाँ पर जो है लिखा है छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीडांगण पांजू, तो देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये शायद स्टेडियम के पास जो स्टैंड्स होते हैं जहाँ पर बैठने की जगह होती है वो है, क्योंकि यहाँ पर मुझे स्टंप्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर सामने आपको एक स्टंप दिख रहा होगा। तो मुझे वैसे क्रीडांगण का मतलब तो नहीं पता है, अगर आप में से कोई देख रहा है और आपको पता है क्रीडांगण का मतलब तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। अभी मैं रेलवे ट्रैक्स के पास जो ब्रिज है वहाँ पे जा तो नहीं पाया, क्योंकि मेरी फेरी का निकलने का टाइम हो गया है। यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था कि रिटर्न फेरी में डायरेक्ट पैसा लेते हैं, तो आप जिस फेरी से आए हो आपको उसी फेरी में वापस जाना पड़ेगा, तो हर आधे घंटे में जो है फेरी निकलती है, तो मेरी फेरी जो है उसका 12:20 का टाइम था, वो मेरी मिस हो गई, तो अभी 12:50 आधे घंटे बाद मेरी फेरी है, तो अभी टाइम होने वाला है, तो मैं फटाफट अपनी फेरी की तरफ जा रहा हूँ।
आप देख सकते हो यहाँ पे बोमबिल सूख रही है, ये तो बहुत ज़्यादा सुखाई हुई है, शायद इसका अचार बनने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत जो है अच्छा पैटर्न जैसा ऐसा लग रहा है, डेकोरेशन हुई हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे दिवाली या ईद या क्रिसमस के टाइम पे जो स्ट्रीट्स पे डेकोरेशन होती है। बट डिफरेंस ये है कि ये मछली हैं जो लटक रही हैं, बहुत अच्छी हैं, और ये इन्होंने शायद एक सम्मान चिन्ह बनाया है ये सारे लोगों के लिए। मेरे ख्याल से यहाँ पर एक ब्रिज बनने वाला है ये, और अभी मेरा जाने का टाइम आ गया है यहाँ से, और मैं अपनी फेरी की तरफ जा रहा हूँ। आके मुझे ऐसा लगा कि इस आइलैंड को जो है काफ़ी डेवलप किया जा सकता है, और यहाँ पर वैसे तो ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आते हैं, पर अगर यहाँ पर टूरिज़्म होने लगा अच्छे स्केल पे, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं, जैसे फ़िशिंग, और टूरिस्ट को फार्मिंग टेक्निक्स और सारी चीज़ों के बारे में बता सकते हैं, बोट राइड्स, और बहुत सारा स्कोप है इस एरिया को। ये एरिया डेवलप हो जाएगा और मुझे लगता है कि और लोगों को यहाँ पर विज़िट करना चाहिए, और लोकल्स भी काफ़ी फ्रेंडली हैं। तो अगर आप देख रहे हो ये, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर ज़रूर एक बार आके देखिए। बाहर की दुनिया से यहाँ पर लोग काफ़ी सिंपल लाइफ जीते हैं और कंटेंट है अपने आप में। ये बोट जो है मेनलैंड की तरफ जा रही है, और आपको वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और कोई भी सजेशंस हो वीडियो से रिलेटेड मुझे, और क्या कवर करना चाहिए, वीडियो का फॉर्मेट चेंज करना है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। और मिलते हैं अगली बार एक नई जगह पर। अंटिल देन आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।